नमस्कार दोस्तों, अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास होंडा फिफ्थ जनरेशन के स्टीरियो आए हुए हैं, जो कि हम होंडा सिटी गाड़ी में फिट करते हैं 2017-18 मॉडल में, जिनके के डिजीपैड 1 में काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है उसके अंदर की ग्लू आ जाता है, टच काम करनी बंद कर जाती है और लोग बहुत परेशान है। तो इसका सोल्यूशन हमने काफी अच्छा निकाला है। तो एक तो एंड्रॉयड में हमें इतना मजा नहीं आता, तो हमने क्या है कि इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन वाला स्टीरियो लगा देते हैं, जिससे आपका एंड्रॉयड ऑटो, वेब लिंक वगैरह सब वर्किंग में आ जाता है। एप्पल कारप्ले भी चला सकते हैं और डिस्प्ले भी इसकी नॉर्मल साइज से काफी अच्छी है। ये भैया का अब WRV के अंदर एंड्रॉयड लगा हुआ है, जिसको हम चेंज करके फिफ्थ जनरेशन होंडा सिटी वाला लगाएंगे और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आते हैं और भैया से जानते हैं उसके बाद। स्टीरियो लगाएंगे, ये होंडा सिटी का स्टीरियो है ओरिजिनल, जिसके अंदर हमारे क्या है कि सारे फंक्शन वर्क कर जाएंगे। इसके अंदर क्या है कि ये भी हमारा अभी हमने इसके अंदर किया है कि इसका जो ओरिजिनल यहाँ पे चार्जर आता है, ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। पहले हमारा क्या, हम ये नहीं करते थे, लेकिन ये भी हमारे कस्टमर है भैया ने आइडिया दिया, जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं। इनकी डिमांड थी और हमने थोड़ी सी कोशिश की, काम हो ही गया। और बाकी अब ये लगा के आपको पूरे फंक्शन भी चेक करा देते हैं, क्या क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। तो भैया, स्टीरियो हमारा परफेक्टली फिटिंग हो गया है, ऊपर के एसी विंड रह गए हैं, और फंक्शन हम देख लेते हैं। भैया अब जो चेक कर रहे हैं अपना एंड्रॉयड ऑटो वगैरह चेक कर रहे हैं। एप्पल का फ़ोन है भैया, एंड्रॉयड है आपका? एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। कैमरा भी चेक कर ले और स्टीयरिंग कंट्रोल भी चेक कर लेते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल पूरे वर्किंग में। ज़फ़र, मेरी आवाज़ आ रही तेरे को क्लियर? आवाज सही आ रही ना? ठीक है। एक भैया ने अपने किसी रिलेटिव्स को फोन भी मिला के चेक किया, साउंड क्वालिटी कंफर्म की तो परफेक्ट आ रही है। ये हमारे इसके अंदर जूमिंग के बटन भी परफेक्ट काम कर रहे हैं, जैसे कि करने चाहिए, जैसे कि इनके ओरिजिनल डिजीपैड 1 में करते थे वैसे ही वर्किंग में आ रहे हैं। तो इसमें हम फिटिंग देखते हैं। फिटिंग में देखो, हमें चारों तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप साइड से भी दिखा देते हैं, जो हमें हल्का सा स्टीरियो उठा हुआ लगता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, क्योंकि आजकल 99% गाड़ियों के अंदर ना स्टीरियो उठे हुए जाते हैं। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि इस फिटिंग भी अच्छी आ रही है, प्रॉपर वर्किंग भी सही कर रहा है, FM की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दिल्ली में हम नॉर्मल कितना भी अच्छा एंड्रॉयड लगा लें, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं आया किसी भी एंड्रॉयड के अंदर FM अच्छा चलता हो, लेकिन यहाँ पे हमारा FM की क्वालिटी जो है बहुत बेटर आती है इसके अंदर, और ब्लूटूथ की तो खास तौर पे बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है इसके अंदर। तो भैया का WRV में हमने फिट किया है, इनका रिव्यू जानना चाहते हैं कि कैसा अच्छा लगा इनको, कैसा लगा भैया बताएंगे हमें। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं कई दिनों से अपनी गाड़ी को लेकर बहुत परेशान था कि मैंने एंड्रॉयड वो लगवा रखा था। मेरा पहले इसमें जो ओरिजिनल होंडा की कंपनी का जो लगा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने चेंज करवा दिया था। डिजीपैड लगा हुआ था भैया का, जिसके अंदर ग्लू की दिक्कत आ जाती है, पाप आ जाता है, तो इन्होंने अपना उसके बाद क्या कि एंड्रॉयड लगवाया। तो भैया बताना चाहेंगे, गलती हो गई थी, मैंने वो एंड्रॉयड लगवा दिया था, मैं पहले बिल्कुल से आपने उसका डिजीपैड उनका फोल्डर भी चेंज करवाया था, तो मतलब फिर धूप में खड़ी होने से दिक्कत आती है उसमें, तो इसीलिए अब मेरे से गलती होगी, मैंने एंड्रॉइड लगवा दिया, पहले ये लगवा देता तो शायद मेरे कुछ पैसे। एंड्रॉइड में क्या परेशानी रही आपको? उसमें कभी मोबाइल कनेक्ट नहीं होता था, कभी वो नेविगेशन अटक जाती थी। आज मैं गुड़गांव से दिल्ली आ रहा था, तो अभी तक गुड़गांव ही दिखा रहा था मेरे को वो, और वो पता नहीं कभी भी काम करना अचानक से बंद कर देता था। कई बार मैं 1.5 किलोमीटर गाड़ी चला लेता था तब वो स्टार्ट होता था, मतलब स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। ये क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे सारी फंक्शन काम करेंगे, इसके नीचे वाला USB चार्जर सब काम कर रहा है, जो इसके अंदर एक्चुअल USB थी वो चल रही है, ये चार्जर चालू हो गया, जो माइक्स अलग से लगा रखा था वो अपनी स्पेशल जगह पर आ गया है। फिटिंग वाइज भी ठीक है, अच्छा लगा, कुल मिला के मेरे को अच्छा लगा, और मैं भी गूगल पे देख के आया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो भैया का इसके अंदर आपका ओरिजिनल स्टीयरिंग कंट्रोल चल गया, ओरिजिनल माइक चल गया इसके अंदर, आपका YouTube भी भैया चल रहा है, वो चल रहा है, वेब लिंक भी चेक किया नहीं किया आपने? वेब लिंक तो नहीं किया मेरे पास, वेब लिंक चेक कर लेना, मैं उसमें आपको वीडियो डाल दूंगा और आप देख लोगे कैसे चलता है इसके अंदर। तो आपका मतलब पूरे के पूरे डिजीपैड 1 के फंक्शन एक्टिवेट हो गए हैं, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह सब एक्टिव हो गए हैं, और डिस्प्ले भी बड़ी मिल गई है। और मेरा ये कहना है कि जो नई आपकी 2022 होंडा सिटी आ रही है,
और आपकी 2018 की जो गाड़ी है इसके अंदर कंपनी में गाड़ी में कोई भी कमी नहीं दी हुई है, सिर्फ एक डिजीपैड 1 के अंदर जो ग्लू आ जाती है, तो पूरी पूरी गाड़ी में मुझे लगता है आपकी कोई कमी नहीं है। अगर आप स्टीरियो इसके अंदर फिफ्थ जनरेशन का लगवा लेते हो तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। नंबर एक, आपका टच की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। नंबर दो, एंड्रॉयड लगवाने के बाद जो फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करते हैं वो वर्किंग में आ जाएंगे। नंबर तीन, डिस्प्ले बड़ी मिल जाती है और सारे के सारे फंक्शन हमारे एक्टिव हो जाते हैं। मतलब पूरी गाड़ी की आप 2022 मॉडल की फील ले सकते हो। अगर आपको ये स्टीरियो लगवाना चाहते हो तो आप अपने यहाँ ऑर्डर करवा के मंगवा सकते हो, प्रॉपर फिटिंग करके हम दे देंगे, शॉकेट शॉकेट आपने अटैच करना है। और आपको कोई भी दिक्कत आती हो आप वीडियो कॉल पर समझ सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आके आप फिटिंग करा सकते हो। हमारा नंबर गूगल पे है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जस्ट डायल पे, कहीं भी आप कन्फर्म कर सकते हो। अनिल ऑडियो सर्विस सेंटर गूगल पे सर्च करिए, लोकेशन एड्रेस आपके पास आ जाएगा। आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यूट्यूब पे नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक करते रहिए।